बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद है कनाडा की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि कई लोग हैं जो कनाडा आना चाह रहे होते हैं या कई लोग हैं जो कनाडा आ रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी पता चले कि कनाडा के अंदर कनाडा की इस वक्त क्या रियलिटी चल रही है। वो हालात अब वैसे रहे नहीं जैसे पहले थे। पहले यह था कि जन्नत लगती थी, अब वैसी सूरत हाल है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। अगर तो 14-14, 16-16 घंटे काम करने वाले लोग हैं तो वो डेफिनेटली आ सकते हैं, वो आकर यहाँ टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी चीज़ें यहाँ पर कनाडा में हो चुकी हैं, वो उनके हिसाब से इतना ईजी यहाँ पर है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले कनाडा कोई क्यों आ रहा होता है, वो आ रहा होता है जॉब अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि कनाडा की पीआर मिल जाएगी, पीआर लेके हम कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो वैसे हालात रहे नहीं, वैसा वक्त रहा नहीं है, और साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। लाइक अभी ये ब्रैम्पटन की तस्वीरें हैं कुछ। ब्रैम्पटन में इस वक्त 100-200 लोग सिर्फ एक या दो ओपनिंग्स के लिए बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं सुपरमार्ट के, कोई कैशियर की जॉब के लिए, कोई और सिक्योरिटी की जॉब के लिए। मुश्किल से एक या दो हायरिंग होती है और उसके लिए 100-200 लोग बाहर लाइन लगा के लिटरली वेट कर रहे होते हैं कि उनकी बारी कब आएगी, कि वो इंटरव्यू देंगे और उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर विजिट वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हैं तो बहुत दूर की बात है इस वक्त जॉब मिलना इतनी इजीली, क्योंकि जो पीआर होल्डर्स हैं इस वक्त सिटीजन हैं उनको भी इस वक्त इतनी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। तो एक तो पहली चीज़ हो जाती है जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत कम हो गई है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो चुकी है, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, और साथ साथ जो हाउसिंग है वो बहुत कम हो गई है। जो थोड़े बहुत भी घर हैं उनकी डिमांड 2x, 3x, 4x बढ़ चुकी हैं, लेकिन इतने घर ही मौजूद नहीं है जितने इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। एक मैं नॉर्मल आपको बताऊं, 2 बेडरूम और 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है ना, वो इस वक्त 1800-2000-2500 इस रेंज में चल रहा है, और एवरेज इनकम यहाँ पे जो है वो 55-60,000 है साल की। तो अगर हम 55,000-60,000 लगा लें साल की और इसमें 30% का टैक्स या 25% का टैक्स लगा लें तो 18,000-15,000 रुपये आपके टैक्स में चले जाएंगे। तो साल के आपके बचते हैं 45,000 रुपये, जिसको अगर हम डिवाइड करें 12 महीने से तो लगभग $3,700 बचते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया के खास करके लोगों के लिए, क्योंकि वहीं से ज़्यादा कम्युनिटी है जो कनाडा आ रही होती है, तो लगभग 3,700 आपके बच जाते हैं महीने के। उसके अंदर लेट सपोज $2,000 का कोई आपको एक बेडरूम या 2 बेडरूम मैक्सिमम, तो नहीं 2 बेडरूम तो नहीं मिलेगा, 1 बेडरूम का भी अगर अपार्टमेंट मिलता है तो वो $2,000 का होगा। फिर पीछे बचते हैं $1,700। अब उसमें आपकी यूटिलिटी भी है, उसमें आपके ग्रॉसरी भी है, उसमें गाड़ी के इंश्योरेंस भी हैं अगर गाड़ी है तो, नहीं भी है तो और छोटे छोटे खर्चे। अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली के साथ अगर बच्चे हैं उनको लेकर कहीं आगे पीछे निकलते हैं तो आपके पास पीछे बचता कुछ नहीं है। अगर लेट से किसी की आधी फैमिली कनाडा में है, आधी फैमिली पाकिस्तान में है, तो वो दोनों घरों को नहीं चला सकता, और अगर चला लेगा तो फिर पीछे उसके पास सेविंग्स करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत मैटर करती है, बहुत हाई हो चुकी है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ग्रॉसरी जो है वो काफ़ी उसके रेट्स बढ़ चुके हैं, मॉर्गेज के रेट बढ़ चुके हैं। अगर आप घर खरीदना भी जा रहे हैं, पहले ये होता था कि यहाँ पे लोग सोचते थे $1,500, $1,800 या $1,200 का हम रेंट दें, इससे अच्छा कोई घर ले लें और $1,500-$1,700 हम मॉर्गेज में पे कर दें, लेकिन अब वो टाइम भी नहीं रहा है। अभी इस वक्त 3 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स की जो मिनिमम मॉर्गेज है वो 2800-3000 है, डिपेंड कौन से एरिया के हैं आप डिपेंडिंग। अब जाहिर सी बात है कोई बिल्कुल ही डेड सिटी में हर कोई नहीं रहेगा, बहुत दूर हो डाउनटाउन, अच्छा डाउनटाउन एरियाज़ के तो ये रेंट ही नहीं है, डाउनटाउन के तो इससे भी ज़्यादा है। ये मैं डाउनटाउन से भी दूर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको $2,000 का शायद 1 बेडरूम या 2 बेडरूम भी मिल जाए, लेकिन डाउनटाउन के अतराफ में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब मॉर्गेज इतनी हाई हो गई है कि 3 बेडरूम की मॉर्गेज 3,000, 3,500, 4,000, 5 बेडरूम में 7-8,000 चली जाती है। साल की इतनी तनख्वाह नहीं है, वो भी एक बंदे की चल रही है, उसकी मॉर्गेज निकल जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है। उसके अलावा मेडिकल, हम पाकिस्तान की अगर बात करूँ, पाकिस्तान के मेडिकल फैसिलिटी के बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये है कि अगर अफोर्ड जो बंदा कर सकता है वो पैसे देता है, उसको अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, उसको इमरजेंसी में भी चेक कर लिया जाता है, उसका अच्छा भला इलाज हो जाता है। इवन कि अगर वो पाकिस्तान में या कराची में अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो उनके पास भी इंडस हॉस्पिटल जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर वो इमीडिएटली उनके सारे काम हो जाते हैं, उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्दी जल्दी ट्रीट किया जाता है, अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं आगे के सर्जरी वगैरह के। लेकिन अगर आप यहाँ कनाडा के हिसाब से कंपेयर करें तो कनाडा में अगर आप अपने पैरों पर चल के हॉस्पिटल गए हैं इमरजेंसी में और आप अगर जिंदा हैं और मर नहीं रहे तो वो आपको इमरजेंसी में चेक कर लेंगे और चेक करके फिर आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है, आपके 8 घंटे बाद बारी आएगी या 9 घंटे बाद बारी आएगी। ये बात कर रहा हूँ एक रूटीन चेकअप के टाइम पे जो बात होती है। अगर किसी की कोई सर्जरी है तो उस सर्जरी के लिए अगर आप जनवरी में उसके पास गए हैं ना तो आपको अक्टूबर का अपॉइंटमेंट मिलेगा। बेशक फ्री ज़रूर है कि आप टैक्स भर रहे हैं और टैक्स भर के आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन 8-9 महीने तक मिल रहा है। यहाँ पर यह है कि आपके पैसे लग जाते और पाकिस्तान में आपको सुबह अगर आप गए तो अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मंडे को गए तो वेनसडे का मिल जाएगा,
पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि अगर आप जनवरी में गए तो फिर बंदा चला जाएगा लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं है इतने। डॉक्टर्स इसलिए नहीं क्योंकि अगर कोई डॉक्टर बनकर आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, तो कैनेडा में उस एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो कहते हैं पहले आप यहाँ पर कोर्स करें, यहाँ पर पढ़ें, यहाँ की मेडिकल जब आपकी एजुकेशन पूरी होगी उसके बाद फिर आपको जॉब वगैरह स्टार्टिंग से सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ की मेडिकल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर आ जाते हैं एजुकेशन पे, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान का कंसर्न एजुकेशन पे ज़्यादा होगा, बेशक हमारे से बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन अब जो यहाँ पे चीज़ें बढ़ गई हैं वो हो गई है जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। अच्छी बातें हो, लेकिन अब आपको ये स्टूडेंट बच्चे को कहा जाता है कि अगर आपने चेंज भी करना है अपने आप को तो आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई मेल स्टूडेंट है, मेल बच्चा है, तो उसको बचपन से सिखा रहे होते हैं, एलजीबीटी की तरफ चले गए हैं, बता रहे होते हैं कि आप जेंडर बदल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। पेरेंट्स अगर इंटरफेयर करेंगे तो रोज़ाना टीचर यहाँ बच्चे से पूछता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको किसी चीज़ से रोका, किसी चीज़ से मना किया नहीं किया, वरना पेरेंट्स के ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये भी चीज़ है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत देर बाद जाकर एक बस आ रही होती है। अच्छी ज़रूर है, मैं ऑब्वियसली अगर अब मैं तो रिलेट पाकिस्तान से ही करूँगा, तो पाकिस्तान के मुकाबले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं यहाँ के हिसाब से और यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो बहुत लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। और लोग बहुत हैं यहाँ पे, लोग बहुत हैं जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। हर किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कुछ और मसले हैं, तो ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये चंद ऐसे मसाइल हैं जो रोज़ाना के हैं, डेली बेसिस पे आपको इशूज़ फेस हो सकते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन का बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बताया। अपने पासपोर्ट से रिलेट करें तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा पासपोर्ट मिल सकता है कहीं और का, लेकिन उसके अलावा यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ के हालात और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। वैसा रहा नहीं जैसा पहले था, और जितना दिखाया जाता था वो कहते हैं ना दूर के ढोल दूर से सुहाने, इस वक्त वो एग्जांपल कनाडा के लिए बहुत परफेक्टली सेट होती है। और किसी कंट्री में क्या सिचुएशन है वो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन कनाडा की जो सिचुएशन है वो यही है कि मैं इसको कहूँगा एक अपग्रेडेड वर्जन बन चुका है पाकिस्तान का। हाँ, एक और चीज़, क्राइम रेट कनाडा में बहुत बढ़ रहा है। अभी टोरंटो पुलिस की जो आखिरी मैंने पढ़ी थी, टोरंटो पुलिस के मुताबिक 5% और क्राइम रेट 2022 के मुकाबले 2023 में जंप किया है। और यहाँ पे अगर कोई क्राइम होता भी, आप पुलिस के पास चले जाए, रिपोर्ट लिख देंगे, लेकिन वही बात है, रिजल्ट नहीं आ रहा होता जैसे हमारे यहाँ भी होता है। मैं ये कहूँगा पाकिस्तान का एक अपग्रेडेड वर्जन, फर्स्ट वर्ल्ड लिख दें साथ में, फर्स्ट वर्ल्ड पाकिस्तान, वही हो चुका है अनफॉर्चुनेटली ये भी। तो ये सिचुएशन है इस वक्त कनाडा की। हाँ, एक और मसला है यहाँ पे, वो है माफिया इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे लोग माफिया कहते हैं, क्योंकि उसके बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते, और अगर इंश्योरेंस आप नहीं लेंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा। और इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी उसका प्रीमियम इंक्रीज़ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है हर कुछ टाइम के अंदर अंदर, तो इंश्योरेंस का भी एक यहाँ पर बड़ा इशू है। अगर आप गाड़ी ले भी लेते हैं तो वो भी पे करना आसान नहीं है कि आप एक तरफ रेंट पे कर रहे हो या मॉर्गेज पे कर रहे हो घर की, और फिर इंश्योरेंस भी आपको बहुत डबल ट्रिपल प्राइसेस में पे करनी पड़े। तो ये हैं सारे कनाडा के कुछ ऐसे मसले, जो आने से पहले जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल आएँ, कोई डीमोटिवेट करने वाली बात नहीं है इस वीडियो में, लेकिन आने से पहले ज़रूर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और इन सब चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ। क्योंकि कनाडा आके कई लोग समझते हैं कि अब हम पैसे बहुत बचा लेंगे या पैसे बहुत कमा लेंगे, तो वो सिचुएशन अब कनाडा में रही नहीं है, अब काफ़ी हद तक हालात बदल चुके हैं। अभी मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।